एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखाज रेसिपी। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट और होटल में मिलने वाली धनिया की हरी तीखी चटनी। इस चटनी को आप कटलेट्स, पकोड़े और चाट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक कप धनिया लेंगे। धनिया को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आधा कप पुदीना लेंगे। पुदीने की क्वांटिटी धनिया से कम रखेंगे। यहाँ हम 2 से 3 हरी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भुनी हुई चने की दाल डालेंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह मूंगफली दाना का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच यहाँ दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 यहाँ आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम मिक्सर चलाते हैं तो सब चीज़ें गर्म हो जाती है, इससे चटनी का कलर डार्क हो जाता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे यहाँ ग्राइंड कर लिया है और इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा आया है। सबसे लास्ट में लेमन जूस मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेमन जूस डालने से इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस चटनी को आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस चटनी को आप किसी भी तरह की चाट, कबाब, कटलेट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आप किसी भी तरह की पार्टी या फंक्शन में आप चटनी पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।